बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम केटूबीगस न्यूज़ के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। केटूबीगस न्यूज़ में खबर शामिल करेंगे गुजर खान से, जहां स्टेडियम के हवाले से एसी गुलाम सबर की सदारत में होने वाले इजलास में नौजवान खिलाड़ी फट पड़े। खिलाड़ियों की जानब से गुज़श्ता रोज़ यौम आज़ादी वाक की तैयारी करने वाले 14 साल से कम उम्र बच्चों को रोकने के लिए स्टेडियम को ताले लगाने की शदीद मुज़म्मत की गई। इस मौके पर नौजवान खिलाड़ियों ने वाज़े किया कि गुजर खान स्टेडियम तहसील गुजरहान के तमाम नौजवानों के लिए है, ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है, इसमें किसी नौजवान खिलाड़ी के साथ ज़्यादती नहीं होने दी जाएगी। खिलाड़ियों ने मुतालबा किया स्पोर्ट्स स्टेडियम को तकसीम करने के लिए जो दीवार तामीर की गई है उसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया तजावजात कमेटी सोहेल अब्बास कियानी, सादत नौमी भट्ट, सरफराज हालत जट और नवीद मिनहास ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। एसी गुलाम सरवर ने इस मसले को मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि स्टेडियम में हर एक को बराबर मौके दिए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए केडब्ल्यूएस न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kwsnews.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।